ये सूप पीने के बाद आप में भी हल्की जैसी ताकत आ जाएगी। जिनको बॉइल्ड ब्रोकली का टेस्ट पसंद नहीं है उन्हें तो ये पक्का ट्राई करना चाहिए। रेसिपी बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ब्रोकली के फ्लोरेट्स कट कर लेने हैं। मैं थोड़ा स्टेम पार्ट भी रख रहा हूँ क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा फाइबर है। एंड देन एक पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेना है, चॉप्ड ऑनियन, ब्रोकली के फ्लोरेट्स डालकर उसे अच्छे से सॉटे कर लेना है। उसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज, वाटर या फिर वेजिटेबल स्टॉक। उसे 10 मिनट तक बॉइल कर लेना है अच्छे से। एंड फिर उसे ठंडा करने के बाद हम उसे डालेंगे मिक्सर जार में एंड एक स्मूथ सी प्यूरी बना लेंगे। ध्यान रखना प्यूरी बहुत स्मूथ होनी चाहिए तो ही सूप का असली मजा आएगा। एंड इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ कुकवेल का बुलेट मिक्सर ग्राइंडर। एंड फिर अगेन वो प्यूरी को एक पैन में लेना है, उसको सॉल्ट एंड पेपर के साथ सीजन कर लेना है, थोड़ी सी क्रीम डालना है, क्रीम कम्प्लीटली ऑप्शनल है, एंड देन उसे बॉईल करके हमारा क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप रेडी है। तो अगर आपको भी हल्की सी पावर चाहिए तो ये सूप जरूर बनाना एंड फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोस।